हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ द फन दे हैड की कुछ बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन आपके लिए हर एग्जामिनेशंस में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, वो है हु आर टोमी एंड मार्गी एंड हाउ ओल्ड आर दे। टोमी एंड मार्गी कौन है और उनकी एज क्या है। ये दोनों जो हैं स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम द ईयर 2157 और नेबर एक दूसरे के पड़ोसी हैं और काफ़ी टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हैं, अपनी जैसे कि सेम एज के बच्चे होते हैं। टॉमी इज़ ए 13-year-old बॉय और मार्गी एक 11-year-old गर्ल है, यानी वो 13 साल का लड़का है टॉमी और मार्गी की एज है 11 ईयर्स। क्वेश्चन 2 है, डिड मार्गी लाइक द प्रिंटेड बुक, वाई नॉट। तो हम कहेंगे कि मार्गी जो है बड़ी एक्साइटेड है टू नो दैट टॉमी हैड फाउंड अ रियल बुक एंड विच वॉज अनलाइक द को स्क्रीन बुक, यानी जो उसको पहले मिलती है अपने स्क्रीन पे उससे तो बिल्कुल डिफरेंट है। और जहाँ दोनों के दोनों जो है रीडिंग करते हैं और दैट शी रिकॉर्डेड दैट डिस्कवरी इन हर डायरी, और ये सारी की सारी चीज़ उसने अपनी डायरी में लिखी है। तो एज शी टर्न द येलो एंड क्रिंकली पेजेज ऑफ द बुक विद टॉमी, शी फाउंड इट ऑफली फनी टू रीड इट। वाइल टॉमी फाउंड इट अ वेस्ट, मार्गी वॉज फैसिनेटेड बाई इट एंड लाइक्ड इट। तो इसका मतलब क्या है कि टॉमी कहते हैं, अरे यार ये तो बिल्कुल वेस्ट है, इसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन मार्गी कहती है नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन 3 है, व्हाट अ वेस्ट, व्हाट इज टॉमी रेफरिंग टू एज अ वेस्ट एंड इज इट रियली अ वेस्ट। अब किसको वेस्ट कहा गया है, उस बुक को वेस्ट कहा गया है जिनमें प्रिंटेड वर्ड होते हैं और फिक्स होते हैं वर्ड जो हैं, और वंस अ बुक इज रेड इट बिकम्स यूजलेस एंड मस्ट बी थ्रोन अवे। तो बिकॉज इट हैज़ द सेम कॉन्टेंट। एक्चुअली जो प्रिंटेड बुक्स हैं वो वेस्ट नहीं हैं, दे कैन बी रेड बाई मैनी पीपल ओवर एंड ओवर अगेन एंड शुड बी प्रिजर्व फॉर द फ्यूचर जनरेशन। सो उनको कहते हैं वेस्ट नहीं होती, एक्चुअली में इनको बड़े सारे लोग पढ़ते भी हैं एक टाइम में, लेकिन फिर इनको फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व करके भी रखना चाहिए। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन 4, व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज, टेली बुक क्या हो सकती है। तो टेली बुक इज ए कॉम्पैक्ट बुक इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये स्टोर्ड होती है कंप्यूटर में एंड कैन बी रेड बाई स्क्रॉलिंग, जैसे हम पढ़ते हैं स्क्रॉल कर करके पेजेस को, तो वी कैन रीड इट वेरी इजली और डाउन एंड साइड वे ऑन अ स्क्रीन। तो क्वेश्चन 5 है, व्हाई हैड मार्गी स्टार्टेड हेटिंग हर स्कूल। मार्गी को अपना स्कूल पसंद क्यों नहीं था, तो उसका रीज़न मैंने आपको बता ही दिया कि उसका जो मैकेनिकल टीचर है उसको ज्योग्राफी के टेस्ट दिए जा रहे हैं वन आफ्टर द अनदर और उसकी परफॉर्मेंस बैड होती जा रही है। क्यों, क्योंकि जो ज्योग्राफी टेस्ट का जो लेवल है वो थोड़ा सा उसकी एज लेवल से अप था, तो जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब थी और उसे स्कूल पसंद नहीं था। क्वेश्चन 6 है, व्हाट वाज द काउंटी इंस्पेक्टर ट्रेन टू डू। काउंटी इंस्पेक्टर जो किस बात के लिए ट्रेन किया गया था, तो काउंटी इंस्पेक्टर है वो एक टेक्निकल एक्सपर्ट है और ही वॉज ट्रेन टू आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई एरर्स इन द फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम इंस्टॉल्ड इन द मैकेनिकल टीचर। जो जिस तरह का मैकेनिकल टीचर के अंदर जो सिस्टम डाला गया उसके एरर को फाइंड आउट करना, उसको करेक्ट करना, ये उसका काम था। क्वेश्चन 7 क्या है, व्हाट आइडिया डू यू फॉर्म ऑफ द काउंटी इंस्पेक्टर एज ए पर्सन। आप क्या आइडिया ले सकते हैं काउंटी इंस्पेक्टर से एज ए पर्सन के तौर पे। तो जो काउंटी इंस्पेक्टर है, यू आर सर्टनली ए काइंड हार्टेड मैन, बड़ा दयालु आदमी है। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट विद मार्गी, वो उसको एक एप्पल देता है और बोलता है उसकी मदर को कि इसमें मार्गी का कोई फॉल्ट नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है इस सिस्टम के अंदर है मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। और उसने उस सिस्टम को, ज्योग्राफी सेक्टर को, जिसमें जहाँ प्रॉब्लम थी उसको मार्गी की एज लेवल तक लेकर आता है और उसको सेट कर देते हैं। क्वेश्चन 8 है, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल को, स्कूल को कैसे डिस्क्राइब करता है। वो कहता है कि एक स्पेशल बिल्डिंग थी जहाँ सभी बच्चे जो हैं जाते थे पढ़ने के लिए एंड द स्टूडेंट्स ऑफ द सेम एज ग्रुप लर्न द सेम थिंग्स विच वर टॉट बाय द ह्यूमन टीचर्स। यानी वहाँ ह्यूमन टीचर होते थे। वैसे इस बात को देखकर तो मार्गी भी हैरान थी, ह्यूमन टीचर कैसे हो सकते हैं, मैं तो नहीं चाहती कि मेरे घर आके कोई ह्यूमन टीचर पढ़ाए। कहते नहीं नहीं डोंट वरी, ऐसा नहीं है, वो घर में आके नहीं पढ़ाते थे, वो एक स्पेशल बिल्डिंग में पढ़ाते थे। क्वेश्चन 9 है, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स। कैसे डिस्क्राइब करता है, जो टीचर हैं वो दे वर नॉट मैकेनिकल बट रियल मैन एंड दे टॉट वेरियस थिंग्स टू बॉयज एंड गर्ल्स, गिव देम होमवर्क एंड ऑल्सो आस्क देम सम क्वेश्चंस एंड द टीचर्स वेंट टू अ स्पेशल बिल्डिंग, जिसको हम बोलते हैं स्कूल, वेयर दे टॉट द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, जहाँ वो उनको क्लासरूम में पढ़ाते हैं। क्वेश्चन 10 है, हाउ डिड मार्गी रिएक्ट व्हेन टॉमी टोल्ड हर दैट 20th century स्कूल्स हैड ह्यूमन टीचर्स। तो मार्गी का क्या रिएक्शन है। तो अब मार्गी भी कहती है, हाउ ह्यूमन जो है या एक मैन जो है वो टीचर कैसे हो सकता है। तो मार्गी मेड दिस रिमार्क व्हेन शी हर्ड टॉमी मेंशन दैट द चिल्ड्रन वर टॉट बाय ह्यूमन टीचर्स इन द टाइम्स गोन बाय। उसको बिलीव नहीं हुआ कि जो ट्रूथ है टॉमी की कमेंट की, बिकॉज शी हैड नॉट सीन एनी ह्यूमन टीचर एंड शी वॉज यूज टू स्टडिंग विद द हेल्प ऑफ हर
मैकेनिकल टेली टीचर ओनली। इसके साथ साथ शी बिलीव दैट अ ह्यूमन टीचर कुड नॉट मैच द मैकेनिकल टीचर इन इंटेलिजेंस एंड नॉलेज। वो कहते हैं कि कैसे मैच करेगा उसके साथ, इसकी जो नॉलेज है वो टेली टीचर से कम होगी। अब क्वेश्चन 11 है, हु इंटरप्ट्स मार्गी एंड टॉमीज कन्वर्सेशन एंड वाई। एक्चुअल में ये जो कन्वर्सेशन इंटरप्ट होती है, ये आपको पता ही होगा कि मार्गी की मदर वहाँ आ जाती है, और वो इसलिए आती है कि उनका जो टाइम है स्कूल का हो चुका था। कहती है कि अब तुम्हें स्कूल जाओ, तुम बाद में बात कर लेना। और ये बात किसके बारे में कर रहे थे, उस बुक के बारे में, उसके बारे में और जानना चाहते थे। क्वेश्चन 12 है, वाई कुड मार्गी नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन अरिथमेटिक लेसन्स। वो क्यों नहीं लेसन के ऊपर फोकस कर पा रही थी, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड थी। और किस बात को लेकर एक्साइटेड थी, कि टॉमी को एक बुक मिली थी और वो उसके बारे में और जानना चाहती थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि अब जब उनकी कॉन्वर्सेशन चली रही थी, इन बिटवीन मदर ने कॉल कर लिया एंड शी हैड टू कम फॉर टेकिंग क्लास इन अरिथमेटिक। तो उसका जो अटेंशन है, वो उसका जो माइंड है, वो तो वहीं पर सेट है। उसको तो ये लग रहा है कि मुझे वो पहले जानना है उसके बारे में, और जानना है कि क्या था स्कूल के बारे में। वो ये भी जानना चाहती कि कितना फन करते होंगे बच्चे पुराने टाइम में। क्वेश्चन 13 है, हैड मार्गी एवर सीन ए बुक बिफोर। तो हम कहेंगे नहीं, मार्गी ने ऐसी कोई बुक नहीं देखी थी। उसका रीज़न क्या है कि मार्गी के पास तो जो टीचर है वो एक मैकेनिकल टीचर था, तो उनके पास बुक्स यानी प्रिंटेड मटेरियल आया तो कुछ भी था, बट अपने दादाजी से उसने जरूर सुना था, जिनको उनके दादाजी ने बता रखा था। तो ही टू हैड हर्ड अबाउट अ प्रिंटेड बुक फ्रॉम हिज ओन ग्रैंड फादर, यानी मार्गी के दादा ने, तो इस तरह उसको थोड़ा बहुत पता था। और क्वेश्चन 14 है, वेयर वॉज मार्गी स्कूल, डिड शी हैव एनी क्लासमेट। मार्गी का स्कूल कहाँ था, तो मार्गी का स्कूल था नेक्स्ट टू हर बेडरूम था, और इट वॉज ए कस्टमाइज स्कूल है सेट अप एक्सक्लूसिवली फॉर हर अकॉर्डिंग टू हर लेवल एंड नीड्स। सो उसका कोई क्लासमेट तो हो ही नहीं सकता, वो अकेली ही थी, बिकॉज शी वॉज टेकिंग क्लास अलोन अपने घर में। ऐसे एक लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, वो है, हाउ डिड ए चांस डिस्कवरी ऑफ पेपर बुक लीव मार्गी एंड टॉमी अवस्ट्रक। यानी कैसे हैरान हो जाते हैं जब एक चांस डिस्कवरी उनके सामने आती है बुक की। तो मार्गी एंड टॉमी वो नेबरहुड फ्रेंड्स हैं इन द ईयर 2157, एक एज है टोटल ऑटोमेशन की, मेकेनाइजेशन की, या डिजिटलाइजेशन की, या कंप्यूटराइजेशन की। तो चिल्ड्रन उस टाइम स्कूल में एक बिल्डिंग में पढ़ने के लिए नहीं जाती, बट घर पे क्या होता है, अपने वो टैली जो बुक्स होती है या कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठ के पढ़ा करते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको फिर से समझिए, एक चांस डिस्कवरी, वो किस लिए उनके, इसलिए जब टॉमी को बुक मिलती है तो वो हैरान हो जाते हैं, और बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। तो वन डे व्हेन टॉमी फाइंड्स एन ओल्ड डस्टी पेपर बुक इन एन एटिक ऑफ हिज हाउस, तो वो एक एक्साइटिंग न्यूज़ अपनी फ्रेंड मार्गी के साथ शेयर करता है, एंड टुगेदर दे आर ऑस्ट्रक, और उन्होंने इससे पहले कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था जो प्रिंटेड फॉर्म में हो, रिटन फॉर्म में हो। और उनको आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते कि कैसे पुराने टाइम में बच्चे पढ़ते होंगे एक बिल्डिंग में जाके, और जहाँ दूसरे बच्चे जो हैं वो छुट्टी के टाइम एक दूसरे के साथ निकल जाया करते थे, जैसे आप प्रेजेंट में जाते हो तो ये हमारा तब तो पास्ट बन जाएगा। तो ये सब चीज़ें उनको बड़ा अट्रैक्ट करती, कहते हैं कि वाकई उस टाइम बड़ा फन होता होगा। ऐसी जो सेकंड क्वेश्चन है, सपोज यू आर मार्गी राइट ए डायरी एंट्री डेटेड 17 May 2157 अबाउट टॉमीज रियल बुक दैट ही फाउंड इन द अटिक। अब यहाँ पर ये पूरी की पूरी डायरी एंट्री है, तो इसमें जो मैंने आंसर आपको दिया है वो भी आप लिख सकते हैं। और सेकेंडली जो आप चाहते हैं कि अगर आप ये वाला आंसर एज इट इज़ लिखना चाहते हैं, बट थिंग्स आर द सेम जो मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं, जो स्टोरी के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो थिंग्स यहाँ पर एज इट इज़ वाई की वन है। तो विद दीज क्वेश्चंस आई स्टॉप द वीडियो, लेकिन साथ में ये भी कहूँगा कि दिस इज जस्ट द बिगनिंग, बिकॉज इससे पहले ऐसा नहीं कि मैंने वीडियो नहीं दी थी, लेकिन मैं थोड़ा सा और इनको जो इनोवेटिव वे से आपको दे रहा हूँ, ताकि आपकी जो लेसन्स हैं और क्लियर हो जाएँ आपको। और फॉर एनीथिंग एल्स in SST also, if you have any doubt, you just give me a message in the comment section and I'll definitely provide you the jo bhi aapko required content hai as early as possible. So thank you very much for watching this video, and if you like the video then like a button zarur press kijiyega. Have a nice day.